नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के सिरमौर चौराहे में सोमवार को अवैध रूप से संचालित सोनोग्राफी सेंटर पर कार्यवाही की गई है, जहां पैसे लेकर लिंग परीक्षण कराया जाता था। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जहां पूरे मामले में एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। बताया गया कि सिरमौर चौराहे में अंगूरी बिल्डिंग के पास एक किराए के मकान में अवैध रूप से सोनोग्राफी सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इस बात की जानकारी जैसे ही प्रशासन को हुई, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई। सिविल ड्रेस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एक गर्भवती महिला को लेकर सोनोग्राफी सेंटर पहुंच गए, जहां खंडहर नुमा मकान के अंदर एक बिस्तर और मशीन के जरिए अवैध सोनोग्राफी केंद्र का संचालन किया जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वहां सोनोग्राफी के साथ लिंग परीक्षण भी किया जाता है, साथ में गर्भपात भी कराया जाता है। गर्भवती महिला के साथ पुलिस रिश्तेदार बनकर पहुंच गई। सौदा होने के बाद पूरी टीम एक्टिव हुई। जैसे ही आरोपी सोनोग्राफी करने लगे, तभी आरोपियों को रंगे हाथों पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में पंकज सिंह, दीपक तांबेकर, कृष्ण कुमार, सुखेंद्र साकेत सहित मकान मालकिन फूल कुमारी सिंह शामिल हैं। पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। एसडीएम वैशाली जैन के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान तहसीलदार और महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा, डीएसपी प्रतिभा शर्मा, विश्वविद्यालय और महिला थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। उसके तहत जो है टीम ने प्लान किया, प्रतिभा शर्मा डीएसपी हैं, उनकी टीम ने जो है विधिवत प्लान किया इसको, और आज जो है इस पर रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है, और जिसमें अभी आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सूचना कैसे मिली? ये PCPNDT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली लिंग परीक्षण जो है वो किया जाता था अवैध रूप से, तो मुखबिर सूचना जब प्राप्त हुई तो उसके बाद जो पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने ही अपना जो है एक स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया। मकान मालकिन भी इन्वॉल्व है? अभी जो है प्रथम दृष्टया ये तो पता चल रहा है कि शायद इन्वॉल्व है, बट अभी जो है इसमें जांच शेष है, जांच के बाद कहना ज़्यादा उचित। अभी कितने लोगों को आरोपी बनाया गया फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन? अभी दो तो हैं मिनिमम, एक मकान मालिक जो मालकिन है वो हैं, और जो कर रहे थे वो तो हैं। मशीन भी सीज की गई। किस तरह की जांच की जा रही है? अभी जो है इनके कथन होंगे, पंचनामे होंगे, और विधिवत उसके बाद जो है धाराओं के तहत इनके विरुद्ध दंडनीय जो कार्रवाई है। कब से कर रहे थे? इसके भी जानकारी नहीं है, अभी जब इनसे पूछताछ होगी उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा।